सवाल है मैं यास्मीन का ही। अच्छा, कि ये जो हम इस्तदलाल करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पंगूढ़े में थे और लोगों ने पूछा तो हज़रत मरियम से, तो उन्होंने कहा कि उससे पूछो जो पंगूढ़े में है। वो कहती ये हम क्यों नहीं कह सकते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजा था, बजाय कि और इस्तदलाल किया जाए कि ये अगर उस किस्म का मौजा जैसे गैर अहमदी समझते हैं वैसा था तो ऐसे शख्स की नबूवत का कतई निशान सारी कौम को उस वक्त मिल गया था। फिर जब दोबारा उसने दावा किया तो उसकी मुखालफत का क्या मतलब था और बीच के अरसे में गायब क्यों हो गया? बीच के अरसे में मैं एक नज़ार के तौर पर जिंदगी गुजारी, बचपन जवानी काबिल जिक्र ही नहीं रहे। अच्छा, इसलिए इतना बड़ा निशान देखकर तो कौम उसका नोटिस लेती है। जो दुश्मन थे वो कत्ल कर सकते थे, जो दुश्मन नहीं थे या कुछ थोड़ी सी भी अकल रखते थे उनको ये कहना चाहिए था ये देख कर कि हाँ हाँ बिल्कुल ये तो खुदा का नबी है। कहता मुझे किताब भी दी गई, और किताब कहाँ थी उस वक्त बताएं। इसलिए निशान माने तो पूरी बातें सुन, पूरी बातें निशान माने। ज़कात कौन सी दे रहे थे उस पंगुड़े में बैठे हुए? वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे किताब दी, मुझे ज़कात कहूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने देनी देनी है ज़कात। थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करें तो ज़ाहरी मानों में बात पूरी हो ही नहीं सकती, सरासर अकल के खिलाफ बात है। लेकिन छोटी उम्र का बच्चा जो अपने पेन में, यानी अंग्रेजी में पेन कहते हैं, पंघुरा या वो खटोला, खटोले में रहने वाला बसा औकात बातें करता है, बड़ी जल्दी शुरू कर देता है। बाद यहाँ बच्चे हैं, माँ उन्होंने बताया वो 10 महीने की उम्र से बातें शुरू की हुई हैं, 1 साल में बाकायदा बोलते हैं, पूरी बातें बयान करते हैं। ऐसे बच्चों को अल्लाह ताला रोया दिखाए, ख्वाबों में उनका मकाम और मरतबा बताए तो हरगिज़ बईद नहीं। अम्बिया का आगाज़ जवानी बचपन ही में कुशूफ देखना साबित है। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक यही एतराज़ था ना कि ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नाजायज़ औलाद है। तो हज़रत मरियम को अल्लाह ने फरमाया कि तुम दिफा ना करना, इसकी तरफ इशारा किया करो। और जब वो इशारा करती थी तो वो खुदा ताला जो उनको तजवारे भी बताता था, रोया कुशूफ दिखाता था, वो बातें बयान किया करते थे। तो लोग हैरान होकर चले जाते थे कि गंदे बच्चे की ये बातें सोचे तो नहीं हो सकती, बच्चा अपनी तरफ से कहानियां भी नहीं बना सकता। तो उनके तर्ज बयान में मासूमियत के साथ सच्चाई नजर आती थी, लेकिन संजीदगी से इसको बतौर दावा के किसी ने नहीं लिया। ख्वाबें या इस किस्म की चीजें देखी होंगी, मगर ये शहादत मिल गई कि ये बच्चा पाक बच्चा है, कोई गंदा बच्चा नहीं है। ठीक है।